अभी हो रहा है सामगढ़ डैम, शाम में हम लोग पहुंच चुके हैं गाय घाट में और आप देख सकते हैं पीछे ये मखेंजी से तो इधर काम हो रहा है। घाट का एक चीज देखिए, यहाँ पे ये वाला जो रेलिंग है जमीन के, रात के टाइम पे जो इस फोर्ट के पीछे आएगा उसका क्या हाल होगा वो मैं नहीं जानता। क्यों बट सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। फिर से आ गया हूँ नए वीडियो में। थोड़ा सा गैप इस बार ज़्यादा ले लिया मैंने, क्योंकि यार थोड़ी सी तबीयत खराब थी, उस वजह से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा। थोड़ा सा कुछ कुछ होते आए, कभी कभी एग्ज़ाम कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो थोड़ा आदमी को मतलब बिजी हो जाता है, तो उसी वजह से कोई नहीं। इस बार फिर से आ गए हैं और ब्लॉग्स अच्छे से आएंगे। निकल रहा हूँ अभी बाहर, धूप तो बहुत है बट धूप का समाधान किया जाएगा और अच्छे से धूप के मतलब यार क्या करूँ कि यार दो बार निकला, दो बार लू लग गई मेरे को, पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। कुछ ज़्यादा ही धूप में टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, इस बार बड़े सावधानी से निकलते हैं बाहर और कुछ अच्छा बनाते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं बाहर, अब दोबारा बाहर चल के मिलते हैं डायरेक्ट। तो वापस इस गाड़ी में निकल चुका हूँ और हमेशा की तरह मुझे वापस पैसे में पेट्रोल भराना पड़ेगा यार। मेरा भाई का इसमें लेके जब भी जाता है वो पेट्रोल नहीं लेके आता है, यही एक उसकी प्रॉब्लम है। तो जब पेट्रोल लेते हो दिखाता नहीं, वैसे तो पेट्रोल बहुत ही महंगा हो गया, बहुत कीमती चीज़ लेने जा रहा हूँ, बट लेके मिलता है। हाँ जी, तो पेट्रोल ले लिए हमने 116.31 लीटर। तो हाँ, तो पेट्रोल भाई देख सकते हैं 116.31 का हो गया यार, 117 लीटर मतलब अप्रॉक्स पेट्रोल। नहीं भाई, लगता है सोना चांदी हम लोग खरीद रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते इन सब चीज़ों के बारे में। एनीथिंग काउंट इफ प्रेडिक्टेबल ना हो यार ब्रदर, छोड़ो जल्दी जल्दी चलते यार। इतनी गर्मी में बाइक चलाने में खुद में ही अलग संघर्ष होता है, खासकर अगर आप सिटी में चला रहे हो और ट्रैफिक में फंस जाओ तो कांड से भाई क्या हाल हो रहा होगा आप लोगों का। तो जैसा कि बिहार में यार रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई थी, तो ये देख सकते हैं पूरा यहाँ पे सजा वजा था, पूरा पंडाल जो भी था सब रामनवमी को लेकर था। तभी रामनवमी खत्म हो चुकी है तो सभी हट रहे हैं, बट आई मिस्ड इट ब्रो, सच में मैंने मिस किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं निकल ही नहीं पाया उस दिन। और इतना शानदार पटना में मनाया गया है रामनवमी भाई, उसका क्या ही कहना है। हाँ तो देखिए, हम लोग वापस इस रोड में आ गए कंगन घाट के पूछे, तो ये वाला जो रोड होता है ये यार सबसे फ्री रोड है, सबसे बढ़िया रोड मेरे को लगता है। साइड साइड से चलते जाओ और आराम से पहुँच जाओ और मस्त व्यू के साथ इधर गाड़ी चलाओ, इसका कोई कंपेयर ही नहीं है, इसका कोई तोड़ी अभी तक नहीं निकला है। आई यहाँ पे कुछ मिनट रुक गया इस नज़ारे को देखने के लिए और दिखाने के लिए कि यहाँ पे कितना सुकून वाला नज़ारा है। देख रहा हूँ कहीं नीचे जा सकता हूँ क्या, ट्राई करता हूँ। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है यार, मतलब पिलर नंबर 186 और यहाँ से इतना कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो हम लोग भी नज़ारा देखने आ गए हैं, कैमरा अभी मेरे हेलमेट पे ही लगा हुआ है तो मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से जा रहा था, मुझे जाते जाते फिर ये वाला बहुत ही शानदार प्लेस दिखा, मेरे को लगा कि इस स्पॉट को एक बार दिखाना चाहिए, तो मैं रुक गया और इसे थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता यार कैसा आप लोगों को लग रहा है, बट ये जो अभी जो सीन हो रहा है ना यार, मतलब बड़ा सुंदर हो गया, पटना सिटी के लिए बहुत अच्छा स्पॉट बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। चलो तो इस जगह को देख लिया, इस जगह को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और फिर आपको भी दिखा दिया, तो कैसी लगी इसकी भाई उसके नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी इधर से निकलते हैं क्योंकि ये कैमरा तो मेरे हेलमेट पे ही लगा है, मोबाइल से बना रहा था कि मैं जल्दी निकलते हैं, बाइक लगाई हुई कर रहे हैं भाई इधर से वापस। ये लगता है ईटा बन रहे हैं, जानते हैं कोयला का दाम इतना बढ़ चुका है पेट्रोल डीजल के बढ़ने से ही या फिर किसी और वजह से, या भाई ईटा वाले भट्टे वाले जो हो रहे ईटा बनाना बंद कर रहे हैं, ईटा का प्राइस बहुत ही हाई हो गया यार।
कहाँ गया वो रास्ता जिसमें मेरे को घुसना था यार, ये रहा। अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम में हम लोग पहुंच चुके हैं गाय घाट में और आप देख सकते हैं पीछे ये मगेमजी से तो इधर काम हो रहा है। तो शाम वाली वाइब के लिए, शाम वाले चिल के लिए, हम लोग टाइम पास के लिए थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए इधर खाली आए हैं गाय घाट में, थोड़ा फील करने के लिए। कोई घाट घूमते नहीं आए, होता नहीं यार कोई कोई प्लेसेस होता है जो शांत होती है और वहाँ पर आपको आगे मन लगता है, तो वहीं पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये तो खैर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर वहीं पर हम लोग यहाँ पर आए हैं यार। देख सकते हैं यहाँ पे मज़ा भी है, मतलब पीछे से आपको पूरा का पूरा व्यू आ रहा होगा गांधी सेतु का, जो क्या नया नया गांधी सेतु जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो भी काम यहाँ पे लगा हुआ है जोरों शोरों से। और यहाँ पे पीछे फिर से गंगा वाली वाइब, और आज इस घाट को भाई मत बोलना कि फिर से घाट बनाने आगे आ रहे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब क्या कर सकते हैं। सामने निकलने के लिए पटना में क्या ही जगह है, पटना में घाट ही हमारे लिए मरीन है सी है, तो इसलिए यहीं पर आ रहे हैं। तो आज इस घाट के को छानबीन करने हम दोनों निकल गए, इन्वेस्टिगेटर हम दोनों निकल गए वापस हिमांशु के साथ। हम दोनों घर ज़्यादा नहीं बगल बगल में, तो हम लोग यहीं पे घूमने आ जाते हैं। ये देखिए बालू यार, ये देखिए, अरे यार यहाँ पे सिर्फ सामान पड़ा हुआ है, गिर गया था। पता नहीं चलते चलते ये घाट से फिर से दूसरे घाट पर हम लोग आ गए हैं, और शाम में भाई मज़ा आता है ये सब करने में, खासकर कूदा फंगी करने में। लेकिन यार जूते की तो अपनी तो बैंड बज रखी है। उधर है गाय घाट, और गाय घाट से हम लोग आ गए राजा घाट, और यहाँ पे ये सब काम लगा रखा है। पीछे का व्यू देख सकते हैं, और इधर भी घाट है पूरा का पूरा, ये राजा घाट का व्यू जो आप देख सकते हैं। तो मैं हम लोग यहीं पे एक्सप्लोर करें, पैदल 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 एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, रेदर देन कि कोई बाइक से घूम के एक्सप्लोर करें। सबका अलग 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 जगह पर मज़ा है, क्या कह सकते हैं सबका अलग। यहाँ पे भाई हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हैं मरीन ड्राइव वाले, तो यहाँ पे जो मरीन ड्राइव का देख सकते हैं ब्रिज, ये भी जो ये सारा जितना है सब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच गया है। इसे बगल से देख रहे हैं, देखने में भी पता नहीं मज़ा आ रहा है कि नहीं, लेकिन मज़ा तो आता है भाई। यहाँ से गांधी सेतु का जो व्यू दिखता है यार, लगता है एकदम ऑसम, एक नंबर व्यू आ रहा है। और शाम के टाइम पे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मेरे को पर्सनल लाइट दे रहा है ये मरीन ड्राइव वाले, मेरे को लाइट दे रहे, देख रहा हूँ आर्टिफिशियल लाइट देते हैं भाई, इतना पॉपुलर हो गया तेरा भाई। रिवर राफ्टिंग चल रही है, मन कर रहा है ये बोट निकालूँ अभी और यहाँ से निकल पड़ूँ। हिमांशु चलाएगा, छोटा वाला बोट भी है, छोटा वाला मोटर बोट, छोटा वाला हाँ, वो छोटा से छोटा था। मेरा मोटर बोट अच्छे खासे चल रहा है, लेकिन रिजॉर्ट भी है, रिजॉर्ट है पता नहीं क्या है, बहुत सेक्सी। इसे क्या है भाई रिजॉर्ट, पता नहीं है। राजा घाट में मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जो सामने जो बिल्डिंग है बड़ा मस्त लग रहा है, पता नहीं है कि क्या है बट देख के बड़ा। चलो बगल से चल के देखते हैं कौन सा बाप का पैसा लग रहा है। पहुँच गए हम लोग ऊपर, बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावने, क्या है ये वैसे। हम लोग यहाँ पे वापस पैथवे पे आ गए, ये घाट का जो इंटर कनेक्टिंग पैथवे है, यहाँ से गुलबी घाट, एनआईटी घाट, रानी घाट, सारे घाट। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए नीचे ये भाई, ये नाले का पानी भाई जाके गंगा में गिर रहा है। मतलब सरकार इतना खर्च कर रही है, मरीन ड्राइव ये ड्राइव वो ड्राइव, घाट में इतना पैसा,
ये तुमको जस्टिस लगता है भाई? गंगा शुद्ध नहीं रही ऐसे? गंगा शुद्ध क्या, गंगा में रोज नहाने आते लोग, पूजा करते हैं, ये सरकार ये भरे मात्रा में यार यहाँ पर गिरा रही है, ये कोई बात हुई? इतना पैसा खर्च कर रहे हो इंडस्ट्रियल एरिया का, सारा इंडस्ट्रियल एरिया का सारा जो भी हॉस्पिटल सबका कचरा यहीं पे गिर जा रहा है यार, ये बहुत खराब लगता है देखिए अपनी सिटी में। जो गंगा जिसको पवित्र माना जाता है उसके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत ही गलत चीज़ है यार। घाट का एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये वाला जो स्टे रेलिंग है जमीन के अंदर धस गया है, वाह क्या भराई हुई है। ये बहुत कुछ करना पड़ता है, हमें पता नहीं है कि कैसे कैसे होता है। तो देख सकते हैं अभी पाइप के अंदर से निकल गया है। जैसा कि मैं इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा था यार, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग लग रही है यार, मतलब कि मैं यहाँ पे बहुत मुश्किल से आ पाया हूँ, इतना ना गड्ढा गुड्ढी है, ये देख सकते हैं बहुत ही ऊँची और पीछे तक है, पता नहीं बहुत ही पुराना है। इधर सब कुछ तो टूट गया लेकिन एक यही चीज़ बच गया, पीछे यहाँ पे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नाला है, तो हम इस पाइप में से आए हैं, बड़ा ही अच्छा पाइप है, बहुत ही मदद करता है। तो खैर इस बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग का एक शॉट ज़रूर देखिएगा, तो चलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हो गया। रात के टाइम पे जो इस फोर्ट के पीछे आएगा उसका क्या हाल होगा वो मैं नहीं जानता, क्योंकि बड़ा डरावना लग रहा है यार, ऊपर से ये बरगद का पेड़ है इतना ऊंचा, मैं नहीं कह सकता। कैमरा में बैटरी लो हो गया, तो हम लोग चलते हैं यहाँ से यार। तो निकल रहे भाई यहाँ से, और यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही सुंदर साइट था, बहुत ही आज मज़ा आया शाम को यहाँ पे बिता के, शाम अभी कभी आइएगा यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जगह, नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और हिमांशु फिर से अपना आएगा ही दोस्त, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।